फरवरी माह में फतेहगंज थाना अंतर्गत जबरापुर निवासी जितेंद्र सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें उनकी पत्नी ने बताया था कि नवल पटेल बाधा पर पटेल द्वारा हत्या की गई, क्योंकि नवल पटेल के सरहद माया के का जितेंद्र सोनी से अवैध संबंध था। घर आना जाना रहता था, रात भी रुका करता था। इसी बात की जानकारी पर नवल पटेल और सुधाकर नहीं प्रार्थी या के पति की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे उसके सास व ससुर भी सम्मिलित हैं। जितेंद्र के हत्यारों को पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा है, बल्कि असली हत्यारों के बजाय अन्य लोगों को परेशान कर जेल में डाल रही है, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक बांदा से जितेंद्र की पत्नी नंदिनी ने किया है। तो वहीं फतेहगंज थाना इंचार्ज से अपनी विवेचना बदल पाए जाने की मांग भी की है। इस दौरान उनके साथ गुलाबी गैंग की कमांडर संपत पाल भी मौजूद रहे। बांदा से इमरान खान की रिपोर्ट, प्राइम टी न्यूज। जी, और मैं महिलाओं का जो लड़ाई लड़ती हूँ, ये भी एक महिला है, इन्होंने दर दर की ठोकर खा रही हैं। और इनका इनका जो है, ये पुलिस जो लापरवाही से इनके पति की हत्यारों को छुट्टाम घूम रहे हैं, जो बेकसूर लड़के उनको जेल बंद कर दिया और फर्जी बना रहे हैं। इनके घर में धमकी दी जा रही है कि हम तुम्हारी कुर्की करेंगे, और मतलब बहुत कुछ टॉर्चर कर रही है उनके घर वालों को, यानी फर्जी मुलजिम बनाने को कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो असली मुलजिम हैं उन्हें बिल्कुल अपना बाप बनाइए पुलिस घूम रही है। सबसे ज़्यादा हमारी मांगे हैं कि फतेहगंज एसओ को हटाया जाए, उसे सस्पेंड किया जाए, जिस तरह का वो इस तरह गैर अपराधियों को जेल में बंद किया है और अपराधियों को साथ दे रहे हैं। आप लोगों ने आज मुलाकात करी है एसपी साहब से, क्या मैं तो आप जानते हो कि 2 महीना पहले जब चुनाव नहीं हुए थे, यहाँ आंदोलन भी हुआ था, इसकी सास भी यही मुद्दा लेके गई थी मेरे पास कि मेरे लड़के का मर्डर धाकड़ पटेल ने की, और धाकड़ सरेआम घूम रहा है, और वो जो बेकसूर हैं उनको जेल बंद किया गया, उन्होंने हल्फनामा दिया, हर जगह चिट्ठी दी और एसपी साहब से विवेचना करने की मांग भी की। और वही चीज़, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नंदिनी सोनी है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम जबरापुर से आए। किस तरह की समस्या है आप लोगों को? सर, अभी कुछ महीने पहले हमारे पति का मर्डर हुआ है। वो अपनी सुबह दुकान बंद, शाम को दुकान बंद करके घर वापस जा रहे थे। जबरापुर बघेला वाली दुकान बंद करके जबरापुर वापस जा रहे थे, बीच में सिपाही लाल की डेरा के बीच में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसका कारण हमारा मुलजिम धाकड़ है और उसका बाप नवल है, और हमारे साथ देने की, सह देने की वो जो माया नाम की औरत थी, उससे हमारे पति के अवैध संबंध थे, जिसके कारण उसका घर में हमारे आना जाना बना रहता था, और यह गलत अपराधों में सह देती थी हमारी सास नंद ससुर। इस तरह के कारण के लिए हमारे पति की मर्डर हुआ है, और हमारी पुलिस सुन नहीं रही है। हमने 5 चक्कर पुलिस के लगा चुके हैं, फिर भी हमारी पुलिस सुन नहीं रही है, एक भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमें न्याय चाहिए। आप लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करी है? जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा फिर से देखेंगे, फिर से अभी कुछ भी नहीं करने की सोच रहे, फिर से देखेंगे, अभी भी उनका करने का इरादा नहीं है। क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलना, हमारा मुलजिम अंदर हो, दंडित किया जाए। मुलजिम के छुट्टे घूम रहे अभी? नहीं, अभी आपके मुलजिम जो है, जो पति के मुलजिम है, अभी छुट्टे घूम रहे जी। उनका तो कुछ हुआ नहीं, अभी उनका कुछ नहीं हुआ, जिनको हम जानते भी नहीं, जिनसे हमारी दुश्मनी भी नहीं, उनको तो इन लोगों ने पुलिस ने बंद करके अंदर कर दिया गया। अच्छा, जो मेन मुलजिम है उनको बंद नहीं किया? वो अभी